तो आज हम बात करते हैं कि तंत्र क्या होता है। देखो, तंत्र को कई लोग विधि बोलते हैं कि ये एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम कुछ प्राप्त करते हैं या फिर कुछ अनुभव करते हैं। लेकिन कई लोग तंत्र को शारीरिक विधि भी मानते हैं। मतलब इसे केवल विधि नहीं बोला जाता है, इसे शारीरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले विधि के रूप में जाना जाता है। जैसे मंत्र होता है, मंत्र को हम मन के द्वारा उपयोग करते हैं, उसका कनेक्शन हमारे मन से होता है, लेकिन तंत्र का हमारे शरीर से होता है। हम उस तंत्र के फल स्वरूप हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो तंत्र का यूज़ बेसिकली हमारे शरीर के द्वारा होता है। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं वो ही तंत्र को उपयोग करने में सहायता प्रदान करती है। इसमें श्वास की अहम भूमिका होती है। तो तंत्र में जब शिव पार्वती को ज्ञान देते हैं, जब शिव की शादी हुई पार्वती के साथ, तो पार्वती शिव के लायक नहीं हुए थे, तो उसे अपने लायक बनाने के लिए शिव ने पार्वती को ज्ञान दिया। तो यही ज्ञान ही विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से जाना गया। और विज्ञान भैरव तंत्र को विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यकीन के आधार पर नहीं होते, इसमें बिलीव के आधार पर इसको उपयोग नहीं किया जाता, इसमें अनुभव के आधार पर इसे उपयोग किया जाता है। आपको अनुभव करना होता है हर चीज़ का, फिर बाद में आपको उस परम का भी अनुभव होगा। तो ये विश्वास पर आधारित नहीं है, ये अनुभव पर आधारित है। जो श्वास की जो विधि बताई शिव ने, उसे बाद में बुद्ध ने भी प्रयोग किया। बुद्ध तो सभी 112 विधि का प्रयोग नहीं किया, बस उसके जो श्वास वाले जो विधि बताई गई शिव के द्वारा उसका ही प्रयोग किए। और शिव ही आदि योगी है। आदि योगी मतलब सबसे उससे पहले और कोई योगी नहीं थे, शिव ही सबसे पहले योगी हुए और उसे ही परमेश्वर कहा जाता है। परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, सबसे ऊंचा ईश्वर, उससे ऊपर और कोई नहीं। तो शिव ने जो विधि बताई है वो उस परम तत्व को, अनुभव को प्राप्त करने के बारे में है। हम उस परम तत्व का अनुभव कैसे करें? क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखे गए हैं कि भगवान कैसे होते हैं, सबसे बड़ा भगवान कौन सा है, आखिर भगवान क्या करते हैं, कैसे हमारी रक्षा करते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। लेकिन ये तो बस ज्ञान हो, हमें बस इसमें विश्वास करना पड़ता है कि भगवान ऐसे होते हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, करते हैं, ये विश्वास पर आधारित है। लेकिन शिव ने जो विधि बताई है वो विश्वास से भी ऊपर है, वो अनुभव पर आधारित है। हम केवल मान सकते हैं कि भगवान ऐसे होते हैं, कि भगवान होते हैं। कई लोग जो रहते हैं भगवान की पूजा करते हैं, उन लोग मानते हैं वैसे भगवान को कि भगवान होते हैं। लेकिन अगर उनको दिल की गहराई से पूछो कि क्या सच में भगवान होते हैं, तो वो भी बोलेंगे कि पता नहीं, क्योंकि किसी को भी पता नहीं। कोई लोग बोलते हैं कि हाँ सच में है भगवान, लेकिन अगर उसको दिल से पूछो, उसको दिल की गहराई से पूछो, तो वो भी बोलेंगे पता नहीं। क्योंकि भगवान को जिन्होंने पा लिया वो खुद भगवान पे समा जाते हैं, परम तत्व में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में लीन होना। परमात्मा में लीन होना खुद परमात्मा का अंश बन जाना है। हम तो हैं ही परमात्मा के अंश, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम हैं या नहीं उसके अंश। तो इसे जानने के लिए हमें अनुभव करना पड़ता है कि क्या हम हैं सच में उसके अंश या नहीं। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र के द्वारा हम उस अनुभव को प्राप्त करते हैं।
तो तंत्र में बहुत सी विधि है। तंत्र एक ऐसा चीज है जो हर चीज को एक्सेप्ट करता है। दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जिसे तंत्र नकार करता हो, चाहे वो कोई भी चीज ले लो, चाहे सेक्स ले लो या गंदी चीजें ले लो, सबको एक्सेप्ट करता है। तभी तो आप जो भोलेनाथ के जो भक्त कहे जाते हैं अघोरियों, उन्हें आप गंदे चीज़ों में सने देखते हैं, मल मूत्र में सने देखते हैं, क्योंकि वो बुरा नहीं मानते, वो उन चीज़ों को बुरा नहीं मानते। तो शिव भी यही सिखाता है कि दुनिया में जितने भी चीज़ हैं वो कोई भी चीज़ बुरा नहीं है, ना बुरा नहीं है ना अच्छा नहीं है, सब चीज़ समान है, सब चीज़ अच्छा है। शिव हमको इस द्वैत के पार जाना सिखाना चाहते हैं कि दो चीज़ है अच्छा और बुरा। हम हमेशा दो चीज़ों में अच्छा और बुरा देखते हैं। किसी इंसान में देखो तो हम उसके अच्छाई को देखते हैं और उसके बुराई को देखते हैं, हम उसमें डिवाइड करते हैं कि हाँ ये इंसान में ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ें बुरी हैं। लेकिन अगर हम उसे गहराई से देखें तो उसकी बुरी चीज़ें भी अच्छी है और उसकी अच्छी चीज़ें भी बुरी हैं, अगर हम गहराई से देखें। जब हमें शिव ज्ञान देते हैं कि हर चीज़ उस परम तत्व से ही बना है, तो हम उसको बुरा क्यों माने? आप ही खुद सोचो, अगर भगवान ने बनाया है ये सब चीज़ों को, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे भगवान ने नहीं बनाया हो, चाहे वो हमारी फीलिंग हो, भावनाएं हो, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई भी शब्द हो, ये सब भगवान के द्वारा बनाई हुई चीज़ है। तो हमें उसे एक्सेप्ट करना होता है, हमें उसे देखना पड़ता है साक्षी भाव से, हर चीज़ को, चाहे अच्छा हो या बुरा। हमें ना कोई भी चीज़ को अच्छा मान लेना है ना कोई भी चीज़ को बुरा मान लेना, हमें हर चीज़ को समान दृष्टि से देखना है। अगर आप समान दृष्टि से देखने लग गए तो आप बहुत कदम आगे निकल सकते हैं, उस परम तत्व के पास आ सकते हैं। आप बस हर चीज़ को अच्छा मानना सीख जाओ। जैसे कि कोई बोलता है कि यहाँ जाना पाप है, यहाँ जाना पुण्य है, नहीं, ये आपको गुलाम बनाने के लिए सिखाया गया है कि ये करना पाप है, ये करना पुण्य है। तो आपको मैं बोलता हूँ, हर चीज़ पुण्य ही है, हर चीज़ करो, हर चीज़ को नकारो मत कि इस चीज़ से गलत होगा, इस चीज़ से बुरा होगा, नहीं। आपको रूढ़ी युक्ति जो है उसे टालना पड़ेगा, तभी आप शिव को प्राप्त कर सकते हो। हमेशा हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो, तभी आप तंत्र की प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप तंत्र को प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। आप उसे अच्छा मानते हो, उसे बुरा मानते हो, तो तंत्र आपके लिए नहीं है, आपको दूसरी पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ से घृणा होती है, अगर आपको कोई चीज़ करने से डर लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, तो आपको भूल जाना चाहिए तंत्र को। तंत्र आपके लिए नहीं है, क्योंकि तंत्र का वही ही उपयोग कर सकते हैं जो हर चीज़ को समान मानते हैं, हर चीज़ को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे भूत प्रेत पिशाच देवता हो, चाहे जो भी हो, वो ये मानकर चलते हैं कि भूत को भी उस भगवान ने बनाया है, देवता को भी उस भगवान ने बनाया है। तो हम उससे घृणा क्यों करें? जब दोनों को ही उस परम तत्व ने बनाया है तो उससे घृणा क्यों कर रहे हो? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, आप कई कदम आगे निकल जाते हो। पहले एक्सेप्ट करना सीखो। तंत्र की कोई भी विधि प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा कि हर चीज़ समान है इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी चीज़ ले लो। आपको आपके साधु महात्मा बोलते हैं कि संभोग करना बुरी बात है, हस्तमैथुन करना बुरी बात है, ये आपके साधु महात्मा बोलते हैं। लेकिन तंत्र कहता है कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, जो चीज़ आपको बुरी लगता है आप
उसको एक वाहन के रूप में उपयोग कर सकते हो उस परम तत्व में जाने के लिए, क्योंकि आप उस बुरी चीज़ को टाल नहीं सकते। आप जितने भी चाहो मैं उससे बच जाऊं, लेकिन आप कभी भी बच नहीं पाएंगे। जैसे कि आप एक सिक्के को पकड़ने चाहो, आप उसके चित हिस्से को पकड़ना चाहते हो, तो उसका पट हिस्सा भी आपके साथ आएगा ही, वो साथ ही में जुड़ा हुआ है, वो उसका दूसरा पहलू है, वो आएगा ही, आप उसको हटा नहीं सकते। आप उसको हटाना चाहेंगे तो सभी चीज़ हट जाएगा। तो आपको दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चित और पट को, तभी आप इसे उपयोग कर सकते हो, तभी आप इस विधि को उस परम तत्व तक पहुंचने का रास्ता बना सकते हो।